नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ना उत्तर मडीसा दोस्तों आज हम बात करेंगे यदि आप नरेगा में, में मेट का, का काम करते हैं मिस्त्री का, का काम करते हैं तो आपका पेमेंट आया है या नहीं आपका जो पेमेंट है जो कैसे चेक करे आपके अकाउंट में आया है या नहीं यानी आपका मतलब पेमेंट है वो कैसे चेक करे तो देखिए आपका जो गूगल क्रो में गूगल क्रो में आपको एम नरेगा लिखना है जैसे एम नरेगा लिखेंगे और उसके बाद में आपको डायरेक्ट यदि जैसे सर्च करना है तो उसमें ग्राम पंचायत आपको लिखना है जैसे मैं यहाँ ग्राम पंचायत लिखूँगा मैंने एम नरेगा ग्राम पंचायत लिख दिया है वो लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो ऊपर ऊपर जो मेन वेबसाइट होगी आप देख सकते हैं जो मेन वेबसाइट है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत नरेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊं उस स्टेप को आपको पूरी करनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एम नरेगा का जो आप मेट मिस्त्री का जो आप काम करते थे उसका पेमेंट आया है या नहीं यानी आपका पेमेंट रियलाइज़ हुआ है या नहीं तो देखिए आपके सामने ये ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं आपके सामने दो यहाँ पर चार प्रकार के जो इंटरप्रेस ओपन होंगे फर्स्ट नंबर का आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर का है वो है डाटा एंट्री दूसरा है जनरल रिपोर्ट और ऑथोराइज और सेंड वेज लिस्ट तो आपको जो दो नंबर की है जो ये जनरेट रिपोर्ट है मतलब इसके ऊपर आपको ओके करना है तो देखिए जो जनरेट रिपोर्ट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जैसे आप जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो जितने भी जो स्टेट है वो ओपन हो जाएंगे जैसे मैं आपको डेमो के लिए राजस्थान है ये राजस्थान के लिए आपको डेमो बता रहा हूँ तो राजस्थान के ऊपर आप को क्लिक करना है तो मैंने यहाँ पर राजस्थान के ऊपर क्लिक कर दिया जैसे आप राजस्थान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी रिपोर्ट आने के बाद में आप देख सकते हैं राजस्थान आपका स्टेट आ चुका है अब आपको फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन से वर्ष का आपको जो आपका मेट मिस्त्री का पैसा देखना है तो देखिए जैसे मान लो कि मैं दो हज़ार का देख रहा हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट कौन से है तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक अपना डिस्ट्रिक्ट ले लिया है और ब्लॉक कौन सा है तो आप एक ब्लॉक यहाँ से आप ले सकते हैं और आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है तो आप यहाँ से आपकी ग्राम पंचायत वो ले सकते हैं मैंने मतलब स्टेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर है वो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और आपका विलेज और जो प्रोसेस्ड है इसके ऊपर आपको क्लिक करना आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर पूरा जो डिटेल्स मैंने यहां पर क्लिक कर दिया प्रोसेस्ड है क्लिक करना है तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मैंने प्रोसेस्ड पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने बहुत सारे इंटरप्रेस यहाँ पे ओपन होंगे तो देखिए आपको आर आप देख सकते हैं आर आ गया आर आ गया आर थ्री आ गया आपको आर सिक्स है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो देखिए मैंने R1, R2, R3, R4, R5, R6, R6 आर सिक्स आर सिक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं रजिस्टर जो रजिस्टर नंबर है आप देख सकते हैं रजिस्टर नंबर है जो रजिस्टर नंबर आप देख सकते हैं अब आपको जो एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर आप देख सकते हैं वर्क रजिस्टर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जो पाँच नंबर का जो आर सिक्स का जो पाँच नंबर का है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा पाँच नंबर वर्क रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आ जाएगी अब आपको आपका जो मिस्टोन नंबर है वो आपको याद रखना है तो देखिए जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक लेता हूँ कोई सी भी जैसे मैंने यहाँ पर आठ नंबर का जो ये लिया है जो काम लिया है आठ नंबर का जो यहाँ पर लिया है मैंने नियम लीत तो देखिए मैं, मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो मैंने यहाँ पर जो आठ नंबर है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपकी पूरी डिटेल्स इस इसमें आ जाएगी आपका पैसा है वो आया है या नहीं तो देखिए आप देख सकते हैं अब आपको केवल आपका मिस्टॉल नंबर वो याद रखना है देखिए जो ये केवल ये मेट के जो मिस्टॉल नंबर है एक दो तीन चार पाँच पर है ना अड़तालीस अट्ठानवे है ये ये जो जो मेट के मिस्टॉल नंबर है तो ये आपको देखना है कि आपका जो मेट का जो मिस्टॉ नंबर है वो आपको याद रखना है उस टाइम आप जो नरेगा काम करते हैं तो देखिए जैसे मान लो अड़तालीस अट्ठानवे का है तो आप देख सकते हैं इसमें अमाउंट है एक सौ सौ दस और और ये पैसे मतलब ये पैसे जा चुके हैं अब देखिए मैं एक मिस्टोल जैसे मान लो कि छिन में ये आप देख सकते हैं कि जैसे छिन में नब्बे का ये जो पाँच नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है छिन्वे नब्बे का जो पेमेंट है आप देख सकते हैं इसमें जो तेरह इसमें इनके अटेंडेंस है इनका जीरो दे रखा है और इनका पेमेंट है ड्यू अमाउंट ड्यू देख सकते हैं इनका पेमेंट अभी तक मतलब डाला नहीं गया है मतलब डाला नहीं गया है मतलब अकाउंट में तो ये मेट के पैसे हैं ये पूरे मेट के पैसे हैं यदि यहाँ पर जीरो जीरो दिखा रहा है वो तो ड्यू दिखा रहा है वो तो मतलब पैसा है वो ट्रांसफ़र हो चुका है और जो ये नीचे ड्यू अमाउंट में जो अमाउंट दिखा रखा है ये पैसे अभी तक गए नहीं हैं तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आया है या नहीं तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है तो ये आपका मेट या मिस्त्री का पैसा आप चेक कर सकते हैं दोस्तों या, या आप यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें बेलाइकन को प्रेस करें और यदि आप से संबंधित यदि कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जय हिंद जय भारत